अगले दो टेस्ट मैचों के लिए भारतीय टीम में दो खिलाड़ियों की वापसी। नमस्कार दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच जारी चार मैचों की टेस्ट सीरीज के दो मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें भारतीय टीम पहला मैच हारने के बाद दूसरे मैच में जोरदार वापसी करते हुए सीरीज में एक एक की बढ़त बना ली है। शुरुआत में भारतीय चयनकर्ताओं ने सिर्फ शुरुआती दो मैचों के लिए टीम का चयन किया था, जिसके बाद अब एक बार फिर टीम का चयन होना है। इस बार चयनकर्ता अगले दो टेस्ट मैचों के लिए टीम चुनेंगे, तो इसके साथ ही पांच मैचों की T20 सीरीज के लिए भी टीम का चयन किया जाएगा। इंग्लैंड के लिए दो टेस्ट और पांच T20 सीरीज के लिए टीम का चयन कब होगा, इस पर कोई आधिकारिक खबर नहीं आई है, लेकिन जल्दी ही बाकी दो टेस्ट सीरीज और T20 सीरीज के लिए टीम का चयन होगा, जिसमें भारतीय कप्तान विराट कोहली भी शामिल होंगे। बाकी बचे ये दो टेस्ट मैच और पांच T20 सीरीज भारत के मोटेरा स्टेडियम में होगा। खबरों की माने तो अगले दो टेस्ट के लिए मोहम्मद शमी और नवदीप सैनी की टेस्ट टीम में वापसी हो सकती है। दोनों चोट से उभर कर फिटनेस टेस्ट पास कर चुके हैं और शायद यही वजह है कि नवदीप सैनी को दिल्ली की टीम के लिए विजय हजारे ट्रॉफी में मौका दिया गया। रिपोर्ट्स की माने तो चयनकर्ता बतौर विकेट कीपर ऋषभ पंत को फिर से सीमित ओवरों की क्रिकेट में मौका देना चाहते हैं, जबकि संजू सैमसन को टीम से बाहर किया जा सकता है। वहीं युवा बल्लेबाज ईशान किशन को भी विकेट कीपर के तौर पर टीम में जगह मिल सकती है, तो मध्य क्रम में बल्लेबाजी को मजबूत करने के लिए सूर्य कुमार यादव और नीतीश राणा को मौका दिया जा सकता है, जो कि T20 स्पेशलिस्ट बनते जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।